हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी है नमक पारा। ये टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप ऐसे ही खा सकते हो या फिर टी टाइम में, तो ये एकदम परफेक्ट स्नैक्स है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा। आप पूरा मैदे में भी बना सकते हैं, पर पूरा आटा में अगर ये बनाए तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और मैंने जो जो भी डाला है मैंने ऊपर अच्छे से एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लिख दिया है। आप इसे देखकर मेजरमेंट बना सकते हैं। और जो बेकिंग पाउडर है वो भी ये डो बनाने के टाइम में ही आप लोग दे देना। और देखिए मैंने कलौंजी यूज़ किया है, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। 3 कप आटा या फिर मैदा के लिए लगेगा 6 टेबलस्पून जैसा ऑयल। ये ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा घी भी डाला है। आप पूरा घी में भी बना सकते हैं या फिर पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये सूखा जो इंग्रेडिएंट्स है इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद मैंने दिखाया है, देखिए ये ऐसा एक डो होगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे के नॉर्मल सा एक डो तैयार कर लेना होगा। और डो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई परफेक्शन नहीं है कि डो एकदम हार्ड या फिर सॉफ्ट बनाना चाहिए। मैंने ऐसे बनाया, देखिए ये मतलब दबाने से ऐसा होगा। और इसे ढक कर कम से कम 20 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स के बाद इसे फिर से एक बार मैंने अच्छे से डो को मसल मसल के मतलब चिकना कर लिया था। उसके बाद ऊपर नीचे सब जगह आटा लगा के ऐसे मैंने बेल दिया। बेलने के बाद आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाना, क्योंकि ये एक बार में ही पूरा कट करके निकल के आ जाएगा। मैंने ऐसे शेप दिया है क्योंकि दुकान में यही शेप मिलता है। और ज़्यादा आटा लगाने से ये एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। मैंने सारा एक साथ कट करके इसे एक प्लेट में निकाल लिया था और ऊपर से भी सूखा आटा मैंने छिड़क दिया था ताकि ये एकदम अलग अलग रहे। और यहाँ पे मैंने एकदम डीप फ्राई कर लिया है। पहले तो फ्लेम को एकदम हाई रख के ऑयल एकदम पूरा बॉयलिंग हॉट होना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये जो हमने कट किया था ये जब डालना होगा, तब एकदम ज़ीरो करके ये सारा थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फ्राई करके निकाल लेना होगा। और ऑयल एकदम ज़ीरो ही रखना, तो ही ये एकदम कड़क मतलब एकदम क्रिस्पी तैयार होगा। नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से एकदम मतलब जल भी सकता है। देखिए इसे अच्छे से ऑयल मिक्स करके ऐसे सारा मैंने एक बोल पे निकाल लिया है। मैंने थोड़ा सा आपको साउंड भी सुनाया कितना एकदम कड़क एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। इसे पूरा एकदम ठंडा कर लीजिए पहले, एकदम साइड में रख के। और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। एकदम पूरा ठंडा होने के बाद इसे एकदम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं आप। 3 महीने तक तो ये आराम से रह सकता है एयर टाइट कंटेनर में, कोई भी खराब या फिर सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और 3 महीने के बाद पता नहीं ये कैसा रहता है, क्योंकि मेरा तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। और मुझे ये इतना पसंद है, मैं मतलब चलते फिरते खा लेती हूँ, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। तो आप 3 महीने के बाद देख सकते हैं इसका क्वालिटी कैसा रहता है, फिर मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगी। और देखिए मेरा ये जो कंटेनर है ये 1.5 केजी का कंटेनर है। तो 1.5 केजी मतलब कोई कोई 1.5 केजी का कंटेनर बड़ा होता है, कोई कोई छोटा होता है। ये इसमें पहले भी कुछ भारी सामान ही था, मुझे मालूम नहीं, पर ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ क्या है। और 1.5 केजी कंटेनर के बाद भी ये देखिए इतना सारा बच गया है। मैं इसे भी एक कंटेनर में डाल के आपको दिखा दूंगी कि इसमें कितना सारा बचा है। और इसके बाद जो मैंने कंटेनर में डाला है ये 800 ml का कंटेनर है, ये भी पूरा फुल हो गया था। मतलब ये ढक्कन नहीं अटक रहा था, मैं थोड़ा सा खा लिया फिर ढक्कन अच्छे से ये फिक्स हो गया। और देखिए इतना सारा बनके तैयार हो गया है सिर्फ 3 कप आटे से। ये आप भी घर पे बनाइए और बना के खाइए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।